जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो कर रहे थे मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल के ऊपर, तो एक कमेंट आया था हमारा यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे आया था कि अगस्टिन XA XA 6722, उनका कमेंट आया था कि भाई रूरल और इको टूरिज्म के ऊपर अगर जर्नल अवेलेबल है उसके ऊपर क्या वीडियो बना सकते हो। तो चीजें की देखो भाई, टूरिज्म यहाँ पे कीवर्ड आएगा, उसी हिसाब से मैं जर्नल अभी ढूंढ रहा हूँ। तो लगभग आज का अगर वीडियो में देखोगे तो 9 जर्नल फ्री वाला जर्नल के ऊपर इंफॉर्मेशन दूंगा, जहाँ पे टूरिज्म एज ए कीवर्ड जर्नल में आप सब्जेक्ट एरिया के हिसाब से दे सकते हो। तो चलिए उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला जर्नल है उसका नाम है रिविस्टा दे आर्टेस मेरिकल्स एशियाटिकास, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में, इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा नाम लग रहा है तो यहाँ पे नहीं सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया में अगर जाओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे व्यूअर में चले जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट एरिया है टूरिज्म लेजर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का लिखा हुआ है। तो टूरिज्म के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल थेरेपी, स्पोर्ट थेरेपी, सोशल साइंस का रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। 2021 से लेके प्रेजेंट तक है जो स्कोपस का डिसकंटिन्यू वाला, 2023 तक, 2024 तक, ये जो प्रॉब्लम है वो वाला आपको यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आज का टाइम हो गया 4 अप्रैल, नहीं आज हो गया 5 अप्रैल, सॉरी 5 अप्रैल 2024, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसी के हिसाब से यहाँ पे प्रेजेंट लिखा है। तो जिस टाइम आप देख रहे हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो ESI नंबर दिया है इसको कॉपी करके स्कोपस में जाके सर्च कर लो, तभी आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट में है कि नहीं, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करके भी जाके क्या, ये वेब ऑफ साइंस में आ जाता है। आज का टाइम में अगर साइट स्कोर देखोगे भाई, 8.0.8 से बढ़ के अभी कितना हो गया, 1.5 हो गया है। तो समझ सकते हो कितना साइटेशन इस जर्नल में आ रहा है। तो इसको आप कॉपी कर सकते हो और जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो। वेब ऑफ साइंस को सर्च करने के लिए गूगल में जाके आप इस तरह का सर्च कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस सर्च। तो वहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो वहाँ पे सर्च बॉक्स रहता है। सर्च बॉक्स में जाके आप क्या कर सकते हो कि ISN नंबर को कॉपी करो। थोड़ा सा गूगल का लॉगिन करना पड़ेगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये जो जर्नल है ESCI में आ जाता है, इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्स का आ जाता है। जर्नल का वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दिया है। तो जो प्रीडेटरी फेक जर्नल, डुप्लीकेट जर्नल, इसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट से निकल के जा रहे हैं। तो यहाँ पे विजिट साइट दिया है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसका वेबसाइट को वो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देता है खुद वेब ऑफ साइंस। तो इस तरह का ये वाला आ जाता है, Q3 वाला जर्नल है। अगर यहाँ पे देखोगे इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन का लगा हुआ है, ठीक है। साइट स्कोर 1.5, 1.6, इस तरह का ये जो है 1.6 लिखा हुआ है, MG क्लैरिवेट का, मतलब वेब ऑफ साइंस का है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे कि भाई कितना समय लगता है या फ्री है कि नहीं, यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। द जर्नल डज नॉट चार्ज ऑथर्स फॉर पब्लिकेशन और पब्लिशिंग देयर वर्क। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई यहाँ पे पैसा चार्जेस नहीं लेते हैं। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अबाउट द जर्नल में। यहाँ पे अबाउट है, अबाउट द जर्नल में क्लिक कीजिए, ठीक है। अबाउट द जर्नल क्लिक करने के बाद ओपन एक्सेस पॉलिसी में जर्नल डज नॉट चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कितना समय लगता है, तो उसके जो लेटेस्ट वाला है इशू में चले जाइए, करंट वाला को क्लिक कर दीजिए, मतलब जो 2024 में पब्लिश हुआ है उसी को आप जाके PDF को जाके क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अच्छे से डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद उसका जो पहला वाला पेज आ जाएगा, इस तरह का जैसे पहला वाला पेज आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं पे लिखा होगा कि भाई रिसीव कब हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो रिसीव हुआ था 4/11/2023 को रिसीव हुआ था, जो एक्सेप्ट हो गया था 13/2/2024 को, लगभग 3 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो गया है। तो ये जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो, रिविस्टा दे आर्टेस मार्शियल्स असिस्टिकास, ठीक है। टूरिज्म के ऊपर है, एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर है, सोशल साइंस के ऊपर है, 2021 से लेके प्रेजेंट तक है। वेब ऑफ साइंस का ESCI वाला इंडेक्सिंग है, 1.5 साइट स्कोर है, फ्री वाला है, 3 महीने में टाइम लगाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल, ये भी जितना भी 9 जर्नल बताऊंगा सब फ्री है, ठीक है। उसमें आपको ऐसा कुछ चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। उसमें कभी कभी क्या होता है कि समय के बारे में पता नहीं होता है कितना टाइम में पब्लिश होता है, वो एक तो प्रॉब्लम रहता है। लेकिन फ्री वाला जर्नल का इन्फॉर्मेशन आपको देना है तो क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क यहाँ पे फ्री में सबमिट कर सकते हो।
यहाँ पे देख सकते हो कि जर्नल का नाम लिखा है स्कोले ए जर्नल लीजर स्टडीज एंड रिक्रिएशन एजुकेशन। और यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो लिखा हुआ है कि टूरिज्म के ऊपर दे सकते हो, लग्जरी ऊपर का एंड हॉस्पिटली मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च वर्क है तो सबमिशन कर सकते हो। उसके अलावा एजुकेशन सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड भी अगर आपका रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। पब्लिशर का नाम है ट्रेलर एंड फ्रांसिस, बहुत अच्छा वाला पब्लिशर का नाम है। यहाँ पे देख सकते हो कि 0.9 साइट स्कोर है, 1.0 से थोड़ा सा घट गया, थोड़ा सा साइट इस जर्नल को अभी नहीं मिला इस साल 2023 को, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे 0.9 हो गया, फिर भी 0.9 साइट स्कोर बहुत अच्छा खासा जर्नल है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जाके आप गूगल में जाके इसको सर्च कर सकते हो, इसको कॉपी मतलब कॉपी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सर्च गूगल इस तरह का आ जाता है आपको, जैसे पता है राइट क्लिक करोगे तो सर्च गूगल फॉर दिस जर्नल में आ जाएगा। तो इस तरह का मैं ऑलरेडी वेबसाइट खोल के रखा हूँ और ये पहला वाला लिंक आ जाता है ट्रेलर एंड फ्रांसिस को, इसको आप खोल के देख सकते हो, इस तरह का उसका वेब पेज आएगा। तो ये वाला आने के बाद आप क्या करना पड़ेगा कि पैसा कितना चार्जेस करना है, एक मैं बता देता हूँ। ट्रेलर एंड फ्रांसिस का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कैसे पता चलता है कि पैसा चार्जेस होता है कि नहीं, हर जर्नल का एक स्टाइल है, इसका भी एक स्टाइल है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो कि जर्नल मेट्रिक्स के ऊपर, जर्नल मेट्रिक्स के बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में दिया है, यहाँ पे ओपन इन द न्यू टैब में अगर मारोगे तो यहाँ पे थोड़ा से नीचे आओगे, यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि देखो पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, आप मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिकेशन चार्जेस के ऊपर यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है, इसको आप क्लिक करो तो अच्छे से आप क्या कि मतलब ट्रेलर फ्रांसिस का कोई भी जर्नल है तो वहां पे जाके आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे मतलब आपको सर्च करना है पैसे चार्जेस करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि देयर आर नो सबमिशन फीस, पब्लिकेशन फीस और पेज चार्जेस फॉर दिस जर्नल, मतलब यहाँ पे पब्लिकेशन करने के लिए आपको कुछ पैसा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका कॉलर पेज है उसके हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हो तो ट्राई करो कि भाई कॉलर पेज को मत डालो यहाँ पे, नहीं तो वो पैसे चार्जेस करेंगे, ठीक है। अगर देखोगे कि तो समय कितना लगता है, हम लोग जो पहला वाला जो हम लोग अबाउट द जर्नल में चलो और यहाँ पे जर्नल मेट्रिक्स है उसको और क्लियर करते हो, क्योंकि इसका पेपर डाउनलोड करना डिफिकल्टी है, ठीक है। ये ओपन एक्सेस में मैक्सिमम टाइम में कोई कोई जर्नल रहता है, कोई कोई जर्नल ट्रेलर एंड फ्रांसिस का नहीं रहता है, लेकिन मैं जो अभी ये जर्नल दिखा रहा हूँ इस जर्नल का क्या है कि हाइब्रिड मोड में चल रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिड मोड में पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इम्पैक्ट फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर मतलब वेब ऑफ साइंस का आता है, अभी 0.0 लिखा हुआ है, मतलब 2022 के टाइम में नहीं मिला था, लेकिन साइट स्कोर देखोगे तो भाई 1.0 साइट स्कोर है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्टेंस देखोगे 25% एक्सेप्टेंस रेट है, मतलब अगर 100 पेपर यहाँ पे सबमिशन होता है तो 25 पेपर उनका एक्सेप्ट वो करते हैं। और अगर इस वही चीज में बताया कि इसका अगर जाके चेक करोगे मतलब जर्नल का जो पब्लिश हुआ है, जैसे यहाँ पे इशू में चले जाओ, करंट इशू में यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसका कॉलेज का अगर ट्रेलर एंड फ्रांसिस का लॉगिन आईडी है या उनको सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो लोग देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं देख सकता हूँ। तो वही प्रॉब्लम है, यहाँ पे टाइम के बारे में पता नहीं चलता है, कभी कभी जो जर्नल मेट्रिक्स होता है वहाँ पे लिखा रहता है लेकिन यहाँ पे इस जर्नल के लिए नहीं लिखा है, नहीं तो इसको आप डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हो, तो समय के बारे में इस जर्नल में नहीं पता चलता है। तो ये भी अगर आप देख सकते हो कि ये जो जर्नल है 1.0 साइट स्कोर का, तो ट्रेलर एंड फ्रांसिस का, वेब ऑफ साइंस का भी है और टाइम के बारे में थोड़ा सा नहीं पता चलता है, लेकिन फ्री जर्नल है। तीसरा वाला जर्नल देखते हैं ट्रेलर एंड फ्रांसिस का, 2018 से प्रेजेंट तक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पा एंड वेलनेस। यहाँ पे भी अगर देखोगे जो सब्जेक्ट एरिया लिखा हुआ है, टूरिज्म लिखा हुआ है, लीजर लिखा है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का, तो टूरिज्म का रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। ये वाला ये साइन नंबर इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, जाके वेब ऑफ साइंस में सर्च करो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आता है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि 1.3 से अभी खतरनाक बढ़ गया है, 2.7 साइट स्कोर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग जाएंगे सिंपल क्या करेंगे कि गूगल सर्च करेंगे, ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ और आ जाता है, इसको पहला वाला लिंक को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, अबाउट दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ ये वाला पेज खुल के आ गया, अबाउट द जर्नल में जाइए, जर्नल मैट्रिक्स में जाइए, जर्नल मैट्रिक्स में भी आप पढ़ सकते हो, 48% एक्सेप्टेंस रेट है, वो अच्छा खासा है। इस तरह का जर्नल जो वहाँ पे 48% एक्सेप्टेंस रहता है वो बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है। मतलब 100 पेपर से 50 पेपर एक्सेप्ट होता है, तो उनका डिपेंड करता है हर एक इशू में कितना नंबर ऑफ रिसर्च पेपर एक्सेप्ट, मतलब वो लोग सबमिट मतलब बहुत बोल रहे, ठीक है, मैं अच्छे से क्लियरली बोल देता हूँ। तो वो ये जर्नल में एक इशू में अगर देखोगे तो वो डिपेंड करता है कि 10 पेपर पब्लिश होगा या 12 पेपर पब्लिश होगा या 6 पेपर पब्लिश होगा, उसी हिसाब से वो
वो क्या करते हैं कि एक्सेप्टेंस करते हैं, ठीक है। मतलब 20 पेपर 3 महीने के गैप में, जो क्वार्टरली पब्लिकेशन होता है, 3 महीने के गैप में अगर 20 पेपर आया है तो उसमें वो 10 पेपर या 9 पेपर को एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे 48% का एक्सेप्टेंस रेट दिया है। देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे टाइम लिखा है। हम लोग जो ट्रेलर एंड फाइनेंस का पिछला वाला देखे तो वहाँ पे नहीं लिखा है, लिखा है लेकिन सिर्फ पहला चीज लिखा है, ठीक है। पब्लिकेशन कितना टाइम हो उसके बारे में नहीं दिया है। यहाँ पे लिखा है कि 79 डेज एवरेज फ्रॉम सबमिशन टू फास्ट डिसीजन, मतलब पहला आपको वेट करना पड़ेगा 80 दिन, मतलब 2 महीना 20 दिन आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई आपका जो सबमिशन हुआ है वो रिव्यू का अंदर जाएगा या आपको रिजेक्ट कर देगा। तो उतना टाइम लगाता है ये वाला जनरल। तो वो आपको देखो कि अपना पास कितना टाइम है, अगर आपका पास अच्छा खासा टाइम है तो यहाँ पे सबमिट करके चेक कर सकते हो। साइट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो कि 1.3 साइट स्कोर है, अभी तो मैं देखा इतना बढ़ गया है, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में, हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे पब्लिकेशन चार्जेस में क्लिक करोगे, यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया है कि भाई देयर आर नो पब्लिकेशन सबमिशन फी और पब्लिकेशन फी और पेज चार्जेस फॉर दिस जर्नल, तो पैसा यहाँ पे चार्जेस नहीं लेता है। और सेम चीज लिखा है कि भाई अगर आपको कॉलर पेज डालते हो तो पैसा चार्जेस करेंगे, तो वो डिपेंड करता है। तो कॉलर वाला पेज यहाँ पे नहीं डालना है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पा एंड वेलनेस साइट स्कोर है 2.7, फ्री है, 80 दिन का लगता है पहला डिसीजन देने के लिए, और टूरिज्म के ऊपर है, 2018 से प्रेजेंट तक है, जर्नल वाला फ्री है। नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, ये जर्नल है लीजर और लोजर, 2005 से प्रेजेंट तक लिखा हुआ है। साइट स्कोर देखोगे तो 1.3 से बढ़ के अभी 1.9 हो गया है। टूरिज्म लीजर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का रिलेटेड रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो आईएसएन नंबर ये लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन करके वेब ऑफ साइंस पे चेक कर सकते हो इंपैक्ट फैक्टर है कि नहीं, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको क्या किया हूँ कि गूगल सर्च किया हूँ, ये वाला नहीं, ये लीजर जो है इसको मैं गूगल सर्च किया हूँ। गूगल सर्च करने के बाद ट्रेलर साइंस इसके ये वाला आ जाता है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद इस तरह का आ जाएगा अबाउट दिस जर्नल में, अबाउट दिस जर्नल में मैट्रिक्स में जाकर हम लोग देख सकते हैं कि उसका कितना क्या लिखा हुआ है। इंपैक्ट फैक्टर है मतलब यहाँ पे वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स है। आज का टाइम ही 2022 का है, आज 2024 हो गया, उसके हिसाब से वो अपडेट नहीं हुआ है। साइट स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 1.3 लिखा हुआ है 2022 के हिसाब से, और यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि 8 डेज फ्रॉम सबमिशन टू फाइनल डिसीजन। तो ये वाला ट्रेलर एंट्रेंस में बोल देता है कि अगर आप रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो कर दे तो आपको 8 दिन के अंदर बता देंगे कि भाई आपका पेपर रिजेक्ट होगा या रिव्यू में चला जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 11 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस टू ऑनलाइन पब्लिकेशन, मतलब जब आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाता है तब ऑनलाइन पब्लिकेशन के लिए 11 डेज लगता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं बताया कि जो और टोटल मतलब कितना टाइम, 3 महीना 4 महीना 5 महीना इस तरह कितना टाइम लगता है ट्रेलर एंड फ्रांसिस में, वो ये कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं चलता। लेकिन ये जनरल फ्री है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। 46% एक्सेप्टेंस रेट है, तो अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेट है, तो यहाँ पे आप सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। तो जनरल में जाइए, हम लोग जाएंगे, हमें जनरल मैट्रिक्स में तो आया था, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑथर में चले जाइए, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आओ, पब्लिकेशन चार्जेस में क्लिक करो। यहाँ पे देखो भाई अच्छे से लिखा हुआ है देयर इज नो सबमिशन फीस पब्लिकेशन फीस फॉर दिस जर्नल, ठीक है। तो ये जर्नल का आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर टूरिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या जियोग्राफी प्लानिंग डेवलपमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन करने के लिए सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जर्नल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टूरिज्म पॉलिसी साइट स्कोर अभी देख सकते हो कि 1.5 है, और यहाँ पे 2007 से लेके प्रेजेंट तक के इंदर साइंस उसका पब्लिशर हाउस है, ये वाला आईएसएन नंबर दिया है, इसको नोट डाउन कर सकते हो। और टूरिज्म लेजर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिर्फ इसके ऊपर आप रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। तो एक चीज है इंदर साइंस पब्लिशर के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इनका क्या होता है कि जो भी, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 पेपर डाला हुआ आज तक, 2 पेपर रिजेक्ट हुआ है, 2 पेपर अभी रिव्यू में चल रहा है, लेकिन भाई अच्छा खासा टाइम मेरा ले गए, ऑलरेडी 1 साल के ऊपर, 1 साल 10 मतलब 1 साल 2 महीना 3 महीना इस तरह का ऑलरेडी चल रहा है मेरा, लेकिन आज तक रिव्यू में भी कुछ मतलब ठीक ठाक पता नहीं है। शायद जिंदगी में मर जाने के बाद ये लोग मेरा पेपर को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इंदर साइंस के मेरे साथ एक्सपीरियंस खराब है, आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं बोलूंगा कि भाई यहाँ पे मत डालो, नहीं तो मैं क्यों डाला था। तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है रिसर्च पेपर जब लिखते हो, तो उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो
इसको जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का इंदर साइंस आ जाएगा, इंदर साइंस का जो लिंक लिखा हुआ है उसी में ही जाइए, ठीक है। इसको जाके यहाँ पे ओपन इंदर न्यू टैब में मारिए। ओपन इंदर न्यू टैब में मारने के बाद भाई ये थोड़ा सा लोडिंग लेने के लिए टाइम लेता है। यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से 1.5 साइड स्कोर लिखा हुआ है 2022 के हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल लिखा हुआ है और अबाउट द जर्नल में यहाँ पे ब्राउज में आ जाता है। अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम लगता है, ठीक है। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि पैसा कितना चार्ज लेता है। तो उसके लिए आपको सबमिटिंग आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और आपको नीचे जाना पड़ेगा। देखो ए फ्यू एसेंशियल पब्लिशिंग इन दिस जर्नल में लिखा हुआ है कि अगर ओपन एक्सेस करोगे तभी जाके पैसा लगेगा, नहीं तो देयर आर नो चार्जेस फॉर पब्लिशिंग विद इंदरसेंस। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि भाई हम लोग पैसा चार्जेस नहीं लेते, ठीक है। तो अगर आप समय को देखना चाहते हैं इंदरसेंस में, आप अच्छे से टाइम देख सकते हो, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 2014 का है वॉल्यूम नंबर 2 को आप क्लिक कर सकते हो। और जो रिसर्च पेपर है यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं होता है, 5-6 पेपर मतलब एक इशू में पब्लिश होता है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसलिए मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा लगाता है जितना मुझे फीलिंग आ रहा है, ठीक है। इस तरह का आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसर्च पेपर है रिसीव हुआ था 7 जनवरी और जो एक्सेप्ट हुआ था 3 मई 2023, तो लगभग 5 महीना टाइम लगा हुआ है। लेकिन मेरा अभी 1 साल 2 महीना 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो मैं आपको कुछ गारंटी नहीं दे पाऊंगा उस जर्नल के बारे में। जिस जर्नल के बारे में एक्सपीरियंस होगा वो जर्नल के बारे में बता सकता हूँ डायरेक्टली, जो जो मेरा पर्सनल वर्क है। ऐसा नहीं कि तो मैं 1000 पेपर रिसर्च पेपर लिख चुका हूँ ना, तो मैं जो 1-2 पेपर लिखा हूँ और ज्यादा से ज्यादा पेपर मतलब स्कोपस और वेबर साइंस का जो 2 पेपर लिखा हूँ, बहुत पेपर तो इस तरह का मैं 22-23 पेपर लिखा हूँ, लेकिन वो अलग चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है 29 अप्रैल में, मतलब यहाँ पे 3 महीना में एक्सेप्ट हो रहा है। तो अगर ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो साइट स्कोर है 1.5 2007 से लेके प्रेजेंट तक के, टूरिज्म लीजर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है, टाइम लेता है 3 महीना, इस तरह का वो दिखाता है खुद का वेबसाइट में, फ्री वाला जर्नल है। तो 6 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्विस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के ऊपर। और यहाँ पे देख सकते हो 2007 से प्रेजेंट तक है। व्यूअर में चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो टूरिज्म लीजर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के रिलेटेड है, उसके बाद स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स के रिलेटेड है, इंदर साइंस पब्लिश ऑन हाउस है, आईएसएन नंबर दिया है, 1.0 साइट स्कोर है, अभी थोड़ा सा बढ़ के 1.7 का साइट स्कोर हो गया है। इसको भी सेम चीज आप जाके क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। गूगल में जाके सर्च करने के बाद इंदर साइंस का जो लिंक है उसी को आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद उसका वेबसाइट में चला जाएगा और वहाँ पे आपको अच्छे से दिखा देगा भाई कितना साइट स्कोर का लिखा हुआ है, जो 2022 के हिसाब से लिखा हुआ है 1.6 साइट स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 इशू पर ईयर, मतलब साल में 6 इशू। इनका जितना मुझे जो इंदर साइंस का पता है, 6 रिसर्च पेपर हर इशू में एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर 6 इशू मतलब 36 पेपर पब्लिश करते हैं साल भर, ठीक है। यहाँ पे भी अबाउट दिस जर्नल में यहाँ पे अगर जाते हो तो ये लेटेस्ट वाला आप देख सकते हो कि कितना टाइम में पेपर पब्लिश होता है। इसको आप क्लिक करके आप दिखा सकते हो, जैसे कि अभी मैं दिखाया था कैसे आपको जाना है। और इंडेक्सिंग के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि स्कोपस में है, और स्कोपस में तो हम लोग आए हैं अभी, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे सबमिटिंग जर्नल में क्लिक करो तो यहाँ पे आ जाएगा भाई देयर आर नो चार्जेस फॉर पब्लिशिंग इन योर साइंस। अगर ओपन एक्सेस करना चाहते हो तभी जाके आपको चार्जेस देना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड मोड इसको बोलते हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ऑलरेडी मैं टैब खोल कर रखा हूँ, ठीक है। ये वाला देख सकते हो 16 अक्टूबर 2022 को रिसीव हुआ था, 18 जनवरी 2023 को एक्सेप्ट हुआ था। तो लगभग यहाँ पे 3 महीना का टाइम। दूसरा वाला रिसर्च पेपर भी देख लेते हैं, 14 मई 2023 को 25 सितंबर 2023 को, तो मई से सितंबर हो गया 4 महीना 5 महीना का टाइम। तो ये अगर उसी हिसाब से आप सोच सकते हो कितना टाइम लगता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्विस एंड इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट 1.6 साइट स्कोर है, आज के टाइम में 1.7 साइट स्कोर हो गया है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट लीजर टूरिज्म के ऊपर है, प्रेजेंट तक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, डिस्कंटिन्यू वाला चक्कर नहीं है, फ्री वाला जर्नल है, 3 से 5 महीने का टाइम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू स्पेस जर्नल का नाम है न्यू स्पेस, 2013 से लेके प्रेजेंट तक के साइट स्कोर 1.6 देख सकते हो लिखा हुआ है अच्छे से यहाँ पे, और आज के टाइम में 1.6 से बढ़ के 1.7 हो गया है। अगर यहाँ पे व्यू ऑल में मारते हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूरिज्म लीजर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स एनर्जी इंजीनियरिंग पावर टेक्नोलॉजी एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेफ्टी रिस्क रिलायबिलिटी क्वालिटी के ऊपर रिसर्च वर्क अगर कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इसको जाके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जब आप सर्च कर रहे हो,
इस तरह का आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैरी एन अल्बर्ट वाला लिखा हुआ है लिंक, यहाँ पे आकर क्लिक करते हो तभी जाके अंदर वाला जनरल में जाओ। मैरी एन अल्बर्ट आप देख भी सकते हो, इसका जो पब्लिशर है उसका नाम लिखा है मैरी एन अल्बर्ट, तो आप जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो मैरी एन अल्बर्ट के ऊपर, यहाँ पे तो क्लिक करो तभी जाके वो वेबसाइट में जाओ। ठीक है, इस तरह का उसका थोड़ा सा वेब पेज लोड होने के लिए टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो ये सेवल इंडेक्सिंग भी है, वेब ऑफ साइंस का है, स्कोपस का है, इंडेक्सिंग आपको दोनों मिल जाएगा अगर ये जनरल को आप सिलेक्ट कर रहे हो। अगर हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे देख सकते हो इम्पैक्ट फैक्टर 0.7, साइट स्कोर 1.6 भी लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मैं समय के बारे में सॉरी फ्री है कि नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको कहीं पे हाईलाइट किया था। हाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन में आपको मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसको यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है, तो करता हूँ ये वाला जनरल इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, फॉर ऑथर्स में अगर क्लिक करते हो तभी जाके मिलेगा, तो ये वाला मैं आता हूँ फॉर ऑथर्स लिखा हुआ है, इसको अगर यहाँ पे क्लिक करते हो, ठीक है, न्यूज पेज जर्नल का यहाँ पे जर्नल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितना टाइम लगता है और आपको क्या है कि पैसा कितना चार्जेस करता है। देखो जनरल जो मोड है लिखा है हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड का मतलब ओपन एक्सेस करोगे तो पैसा दोगे, अगर ओपन एक्सेस नहीं करना है लेकिन पेपर पब्लिश हो जाएगा उसके लिए पैसा चार्जेस नहीं करते है। अगर जो रिव्यू होता है सिंगल ब्लाइंड रिव्यू होता है, ठीक है, और सबमिशन फी तो नहीं लिखा हुआ है, पब्लिकेशन फी भी नहीं है। एवरेज टाइम फॉर इनिशियल डिसीजन, मतलब आपका रिसर्च पेपर वो रिव्यू के अंदर लेंगे कि नहीं, वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं रिव्यू करने के लिए, उसके लिए आपको 50 दिन वेट करना पड़ेगा, 2 महीने का टाइम ये आपको सोचना पड़ेगा रिव्यू के अंदर जाने के लिए लगाता है। ठीक है, अगर टाइम देखोगे उसका एक रिसर्च पेपर में डाउनलोड किया था, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहला पेज में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि भाई कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, यहाँ पे भी अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है कि कब रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था कब। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इस जर्नल को खुद से सोचो, फ्री वाला जर्नल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो वाला भी नहीं मिलता है, मतलब कहाँ पे फ्री वाला जर्नल, क्योंकि बहुत चार्जेस लेते हैं एक्सेस चार्जेस भाई, आपको अगर खुद सर्च करते हो तो पता होता है भाई, 1,000 2,000 डॉलर इस तरह का चार्जेस करते हैं, तो रिसर्चर के लिए इतना पैसा खर्चा करना कहाँ से आएगा। ठीक है, अगर आपका कॉलेज का फंडिंग है तो वहाँ पे आप दे सकते हो इस तरह का, आपका रिसर्च गाइड को पूछ सकते हो कि भाई आपके पास कुछ को फंडिंग है कि नहीं, तो अगर वो बोलेंगे अगर है तो उस हिसाब से आप पेड वाला जर्नल में जा सकते हो, लेकिन अगर पीएचडी कर रहे हो तो नॉन पेड वाला जर्नल में जाना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। टूरिज्म का है, न्यूज पेज का भी बता दिया, फ्री वाला जर्नल है, साइट स्कोर 1.7 है, वेब ऑफ साइंस में भी आ जाता है जिसका 0.6 इम्पैक्ट फैक्टर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट जर्नल के बारे में, रूरल सोसाइटी 1991 से प्रेजेंट तक के अच्छा खासा पुराना जर्नल है, टेलर एंड फ्रांसिस का है, टूरिज्म के ऊपर है, लीजर के ऊपर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के ऊपर है, साइट स्कोर 2.2 था, अभी क्या है कि थोड़ा सा घट गया 1.6, फिर भी 1.6 अच्छा खासा साइट स्कोर है, इसको आप जाके क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च करो, गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है रूरल सोसाइटीज। नॉर्मल क्या होता है कि गूगल आज सर्च इंजिन पहले दिखा देगा रूरल सोसाइटी का डेफिनेशन, तो उसको आपको नीचे जाना पड़ेगा, जो ट्रेलर एंड फ्रांसिस का वेबसाइट दिया है वहां पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो रूरल सोसाइटी को आप इस तरह का क्लिक करके उसका वेबसाइट के अंदर घुस सकते हो। अगर ट्रेलर एंड फ्रांसिस आ गया, अगर आज का वीडियो जो भी देख रहा है वो ट्रेलर एंड फ्रांसिस में कैसे सर्च करना है उसको आइडिया आ चुका होगा, इतना मेरा भरोसा है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ट्रेलर एंड फ्रांसिस वो अच्छा खासा पब्लिशर हाउस है वहां पे होता है कि नहीं। जनरल मेट्रिक्स पे अगर आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि देखो भाई जो इम्पैक्ट फैक्टर है 2022 के हिसाब से 1.2 इम्पैक्ट फैक्टर है, साइट स्कोर अगर देखोगे स्कोपस का 2.2, अभी देख रहे थे कि थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है, 1.6 हो गया, मतलब साइटेशन अभी कम आ रहा है, फिर भी 1.6 साइट स्कोर बहुत अच्छा खासा जनरल है। ठीक है, अगर अगर देखो कि पहला 31 दिन में आपको बोल देंगे कि सबमिशन से पहला डिसीजन देंगे कि भाई पेपर आपको रिव्यू के अंदर लेंगे या डायरेक्ट रिजेक्ट करेंगे, पहला 31 दिन में बोल देते हैं, और जब आपका रिसर्च पेपर एक्सेप्ट हो जाएगा उसका 15 दिन के बाद ही आपका ऑनलाइन में पेपर आ जाता है। अगर एक्सेप्टेंस देखोगे तो 21% एक्सेप्टेंस रेट है, तो आप सोच सकते हो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि भाई क्या
सबमिशन करना है कि नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्लिक करते हो तो क्लियरली आपको पैसा चार्जेस लेंगे कि नहीं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। पब्लिकेशन चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखो भाई अच्छे से लिखा है कि नो सबमिशन फी, पब्लिकेशन फी और पेज चार्जेस। ऐसा मत सोचो कि टेलर एंड फ्रांसिस में हर जर्नल फ्री है, मैं ये ढूंढ के लाया हूँ इसलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं लगभग आज 3 से 4 पेपर जर्नल मतलब टेलर एंड फ्रांसिस का दिखाया, फ्री वाला दिखाया। हर जर्नल फ्री नहीं होता है, ठीक है। मैं जो दिखाया हूँ क्योंकि ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ तो फ्री वाला इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो पैसा चार्जेस नहीं रहता, सेम चीज कॉलर चार्जेस के लिए। कॉलर पेज अगर पेज होगा तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा कि पैसा देना पड़ेगा, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। रूरल सोसाइटी 1.6 साइड स्कोर है, इम्पैक्ट फैक्टर है, मतलब वेब ऑफ साइंस का आपका इंडेक्सिंग है, 1991 से प्रेजेंट तक है, टूरिज्म का रहे, फ्री वाला जर्नल है। आज का पूरा लास्ट जर्नल इस वीडियो का, आज का मतलब इस वीडियो का जो टूरिज्म के ऊपर मैं कर रहा हूँ उसका लास्ट वाला 9 नंबर वाला ये जर्नल है। टूरिज्म एंड मैनेजमेंट स्टडीज 2.5 साइड स्कोर है, अराउंड 3.9 साइड स्कोर ट्रैकर का है, ठीक है। मतलब 2.5 से अब 3.9 बढ़ गया, खतरनाक बढ़ रहा है, मतलब अच्छा खासा साइटेशन आ रहा है इस जर्नल को। तो टूरिज्म लीजर हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का है, बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ अलग्रेव उसका नाम है, इसको आप सिंपल जाके गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल सर्च करो और यहाँ पे आ जाता है, इसका लिंक आ जाता है, इसको आप क्लिक करके खोल सकते हो। खोलने के बाद इस तरह का आएगा, मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ भाई, एपीसी चार्जेस नहीं आता है, वो कहाँ पे है मैं दिखा दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडी डज नॉट चार्ज आर्टिकल सबमिशन और प्रोसेसिंग फीस, तो क्लियरली मेंशन किया है कि भाई पैसा हम लोग चार्जेस नहीं करते, रिसर्च वर्क है तो भाई सबमिशन करो, उसके बाद देखते हैं आपका क्वालिटी कितना अच्छा है। ये वाला चीज आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट द जर्नल में जब जाओगे, यहाँ पे देखो अबाउट है, अबाउट द जर्नल में जाओ, उसके बाद जाके पूरा नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा कि भाई पैसा चार्जेस नहीं करते। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम कितना लगता है, तो करंट में जाइए, करंट मतलब लेटेस्ट वाला रिसर्च पेपर जो पब्लिश हुआ है, करंट में जाइए, यहाँ पे जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ तो डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ये वाला देखो एक रिसर्च पेपर है, डाउनलोड करके मैं लिखा हूँ, ये लेटेस्ट वाला 2024 का देख सकते हो, 2024 लिखा हुआ है। और भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओ भाई कहाँ चला गया ऊपर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिसीव हुआ है 16/12/2023 को और एक्सेप्ट हुआ है 20/3/2024 को, तो लगभग 4 महीने में रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट हुआ है। दूसरा वाला रिसर्च पेपर मैं दिखा देता हूँ, अभी भाई मेरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, हैंग हो जाता है भाई, मतलब 9 जर्नल का इतना टैब खुल के रखा हूँ ना, हैंग हो जाता है, क्या करे भाई। मेरा पीएचडी कैरियर में एक अच्छा खासा 16 GB रैम का लैपटॉप एसएसडी लगा हुआ है, वो खराब हो चुका है, 5 साल के अंदर वो खराब हो गया, हेवी यूज हो रहा है तो खराब हो जाता है। रिसर्च में भी आप जब सॉफ्टवेयर वॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो वहां पर खराब हो जाता है। अभी क्या है कि मैं जो लैपटॉप कर रहा हूँ, मेरा वो लैपटॉप तो खराब हो गया, वो 50,000 का उस टाइम में लिया था, कोरोना से पहले वो लैपटॉप खरीदा था, वो खराब हो गया। अभी भैया का लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, SSD लगा है लेकिन सिर्फ 4 GB रैम है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं, तो हैंग हो जा रहा है। ये अगर लैपटॉप खराब हुआ तो ये चैनल भी बंद हो जाएगा, देखते हैं भगवान का क्या है, देखते हैं। जो नॉलेज है उसको जो शेयर कर रहा हूँ वो चाहते हैं कि नहीं भगवान को, वो भी देखते हैं ना, छोड़ो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। आएगी नहीं भाई, हैंग हो रहा है, बहुत खराब लगता है। इसको मैं लोड कर दिया फिर से, आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, उसको मैं जूम कर लेता हूँ। रिसीव हो गया है 27/8/2023 को और रिवीजन और एक्सेप्टेड हो गया था 13/2/2024 को, तो लगभग यहाँ पे 4 से 6 महीना लगा है। तो अगर ये जनरल आप सिलेक्ट कर रहे हो तो 4 से 6 महीना का डिप माइंड में सेट कर सकते हो कि इतना टाइम लगता है। टूरिज्म मैनेजमेंट स्टडीज 2019 से लेके प्रेजेंट तक के साइट स्कोर देख सकते हो कि आज का टाइम में 3.9 है, फ्री वाला जर्नल है और 4 से 6 महीना का टाइम लगा सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि भाई यूट्यूब चैनल मेरा बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है।
पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर तो ऐसे ही भी बहुत कम लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ। लॉर्ड्स ऑफ लॉ फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।